सुना रही, हाउ डू यू डू। अच्छा सुनाओ क्या कह रही हो। जोई जोई ईटिंग सुगर। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल बाकी बिहारी फैमिली ब्लॉग्स। तो अभी देखिए ये मॉर्निंग का टाइम है और फटाफट से लंच की तैयारी हो रही है और आज लंच में बनने वाला है आकर्षित की डिमांड पे शाही पनीर। अब आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरे बेटे आकर्षित का शाही पनीर ऑल टाइम फेवरेट है। जिस दिन शाही पनीर बनता है ना उस दिन आकर्षित पूरे दिन अच्छे से खाना खा लेते हैं और मोस्टली आकर्षित की वजह से जल्दी जल्दी शाही पनीर बनाना ही पड़ता है मुझे। कह रही थी दीदी सब लोग वीडियो देखते होंगे तो क्या कहते होंगे, क्या कहते होंगे, काम कर रही हूं। मैं काम क्या करते, केवल सब्जी तो बनाते हैं। लहसुन चोरी हो गया हमारा। अभी कहाँ चोरी हो गया यार, ये खोलो जरा नीतू वाली बस के बजे। हाँ इसमें देखो सर, नहीं ये खोलो मम्मी के पास। मम्मी का अलग बनाएंगे, नहीं रोटी खाएंगे शाही पनीर से। मम्मी का अलग, मम्मी की रोटी हम गर्म बना देंगे, अब उसकी है अजवाइन की। अच्छा अच्छा, मम्मी के लिए अलग बनेगा बिना लहसुन प्याज का और हम लोग का बनेगा लहसुन प्याज वाला। दीदी लहसुन कहाँ चला गया, कूड़े करके हम शो कर सकते ये रखा है अंदर। बताओ दुनिया में ढूंढ रही हो सामने लहसुन रखा है, रख दी इतने देर। सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह से सब लोग जब मिलके काम करते हैं। एक तरफ बुआ अपना काम कर रही हैं और नेहा भी बाकी खाने की तैयारी कर रही है क्योंकि मैं तो सिर्फ सब्जी बनाऊंगी। कैसे बातें करती है चाकू, ये कब आई घर में, ये कैसी चाकू है ये नॉनवेज के लिए नॉनवेज तो आता भी नहीं खाता भी नहीं कोई, टाइम का पता ही नहीं चलता है मायके में। और अभी तो छोटी वाली अपने मायके में है दीक्षा, अगर वो भी होती है ना तब तो बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चलता। हंसते हंसते पूरा दिन कब निकल जाता है, सुबह से रात कब हो जाती पता ही नहीं चलता है और रात के 2-3 बज जाते हैं हम लोगों को सोते सोते। फुल टाइम मस्ती चलती है यहाँ पर, एक कोई बात मुँह से बोल दे और उस बात के 100 अर्थ निकाल के इतनी ज़्यादा हंसी की जाती है कि मैं आपको क्या बताऊं। और अभी आप लोग आगे देखिएगा कि मेरी भतीजियों ने मेरे साथ किस तरह से मस्ती की, मेरा क्या हाल किया मेरी भतीजियों ने, आप लोग हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से तैयारी हो गई है पनीर की सब्जी बनाने की और दो तरह से पनीर बनाना है, एक मम्मी के लिए बिना लहसुन प्याज का बनाना है और हम बाकी लोगों के लिए लहसुन प्याज वाला बनाना है। तो मम्मी के लिए तो मैं बना चुकी हूँ, सेम कढ़ाई में ही बनाई हुई है मैंने पनीर की सब्जी मम्मी की, अब इसी कढ़ाई में भी बना रही हूँ हम सबके लिए लहसुन प्याज वाला शाही पनीर। तो यहाँ पर देखिए सरसों का तेल लिया हुआ है क्योंकि ठंड बहुत है भाई, तो प्योर देसी घी में मुझसे तो नहीं बनाई जाएगी ना ही खाई जाएगी। तो यहाँ पर रफली चॉप किया हुआ था मैंने लहसुन प्याज, इनको ऐड कर दिया है, जीरा भी ऐड कर दिया था और ढेर सारे काजू ऐड कर दिए क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही है और सब्ज़ी मैंने इतनी सारी बनाई थी पूरी की पूरी ख़त्म हो गई। देखिए यहाँ पर लहसुन प्याज काजू इनको अच्छे से भून लिया, 3 साबुत हरी मिर्च ऐड कर दी है और यहाँ पर अभी मैं ऐड कर रही हूँ अदरक का टुकड़ा और अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हाई नहीं रखना है क्योंकि इनको जलने नहीं देना है बिल्कुल भी। और अब यहाँ पर ऐड कर देंगे टमाटर, टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे और टमाटर ऐड करते टाइम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। वैसे मैंने कई बार 2-3 बार शाही पनीर की रेसिपी भी शेयर की हुई है और मेरे आकर्षित को ना बिल्कुल भी बदला हुआ नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा सा भी चेंजमेंट नहीं चाहिए है, तो जैसे बनाती हूँ ना बिल्कुल वैसे ही उसका बना रही थी। और इसके पहले जो मम्मी का बनाया था ना, मम्मी का तो बिना लहसुन प्याज का था लेकिन बहुत स्वादिष्ट बना था। यहाँ पर देखिए टमाटर अच्छे से गल गए हैं तो जो हमारा प्यूरीज की तैयार होनी ना शाही पनीर की, तो वो कम्प्लीटली अच्छे से बन गई है। तो इसको यहाँ पर एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा करके और ग्राइंड कर लेंगे इसको।
पहले मैंने सोचा कि चलो इसको ना अच्छे से छन्नी से पूरा पेस्ट इसका छान लेंगे, लेकिन नेहा बोली दीदी इसको ना छानो, दरदरा रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो बस यही एक चेंजमेंट हुआ था, बाकी खाने में अच्छा था। और दूसरा रीज़न यह था कि मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाया हुआ था, तो लोहे की कढ़ाई में तो आप लोग जानते हैं कि सब्ज़ी का जो कलर होता है ना थोड़ा सा डार्क हो जाता है, लेकिन स्वाद बहुत अच्छा आता है। और मुझे लोहे की कढ़ाई की सब्जियां बहुत पसंद हैं, लेकिन पनीर लोहे की कढ़ाई में थोड़ा कम ठीक रहता है। अगर आप मटर पनीर बना रहे हो ना तो लोहे की कढ़ाई में ठीक रहता है, अदरवाइज़ आप कोई सा भी पनीर बना रहे हो, और शाही पनीर स्पेशली, तो वो लोहे की कढ़ाई में कभी भी ना बनाए। तो यहाँ पर देखिए मसाला ठंडा हो गया था प्यूरी बनाने के लिए, तो यहाँ पर इसको ग्राइंड कर लूँगी। और ये जो मिक्सी है ना, ये वाली मिक्सी बहुत ही अच्छी है, सुजाता की है, बजाज की, बहुत ही अच्छी मिक्सी है। झटपट से एकदम स्मूथ बिल्कुल इससे ग्राइंड होता है। और यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया ना, सरसों के तेल में ही मैंने थोड़ा सा जीरा फिर से ऐड किया हुआ है, और उसके बाद में ये जो सारा पेस्ट बनाया था ना, नहीं सॉरी, जीरा नहीं ऐड किया था, हल्दी ऐड किया था, और सारा पेस्ट उसी में ऐड कर दिया है। मिक्सी में जार में बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, उसको भी जितना निकाल सकती हूँ निकाल लूँगी, और उसके बाद इसमें पानी जब डालूंगी ना तो पानी भी इसी जार में लेके डाल दूंगी, तो मसाला जो है ना बर्बाद नहीं होगा। और बच्चे की वजह से ही आज मुझे शाही पनीर बनाना पड़ा, वरना मैंने कहा था यहाँ मामी के हाथ का खा के देखो। और बाकी उसे मामी के हाथ के पराठे वगैरह तो इतने पसंद है कि मेरे हाथ के नहीं उसको पसंद आते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसिक मसाले जो है ना, और मैं तो पैकेट वाले मसाले बहुत ही रेयर यूज़ करती हूँ, यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पर ले रही हूँ मैं ये है काली मिर्च पाउडर। कस्तूरी मेथी ढूंढ रही थी, नहीं मिली मुझे, तो मैंने फिर नहीं ऐड की है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें सारी हों तभी हम कोई चीज़ बना सकते हैं, कोई रेसिपी बना सकते हैं। आप कम चीज़ों में भी रेसिपी बना सकते हैं, आपको तरीका आना चाहिए बनाने का और स्वाद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मिक्सी की जार से मैंने थोड़ा सा पानी लेके और इसमें डाल दिया है ताकि मसालों को अच्छे से भून लूँ। और लास्ट में इसमें भी चीनी भी ऐड करना है, थोड़ा सा नमक भी ऐड करना है। तो मेरे मायके की तरफ ना थोड़ा लाल मिर्च पाउडर कम खाया जाता है, मैं रहती हूँ तो थोड़ा बहुत डाल भी देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने ना इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है, करीब 1 बड़े चम्मच मैंने घी ऐड किया हुआ था ताकि घी का फ्लेवर आ जाए, और इसको अच्छे से चला लेंगे। अब देखिए ये मसाला तो भुना बहुत अच्छा है, बस कढ़ाई का फ़र्क आ गया ना, और मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि शाही पनीर इस कढ़ाई में ना बनाऊं, लेकिन हाँ खाने में बहुत स्वादिष्ट बनाया था। मैंने इतना सारा बनाया था और सारा का सारा ख़त्म हो गया था। यहाँ पर देखिए बड़ी कटोरी भर के मैंने मलाई ली है, तो आधी कटोरी भर के मैंने मलाई इसमें ऐड कर दी है, और इसको बहुत अच्छे से चला लेंगे। मैंने पनीर की जिस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मसाला पूरा तैयार किया था ना, तो नेहा बोली कि दीदी पनीर और बढ़ा दो, क्योंकि आधा किलो या 1 किलो पनीर मंगाया हुआ था, मुझे याद नहीं है, शायद आधा किलो पनीर मंगाया था। तो नेहा बोली कि दीदी इसमें पनीर की क्वांटिटी और बढ़ा दो क्योंकि कम पड़ जाएगा। तो मैंने पहले जितना पनीर कट किया था ना, मैंने उस अकॉर्डिंग इसकी ग्रेवी की तैयारी की हुई थी, बाद में मुझे पनीर इसमें बढ़ाना पड़ा, तो बस उतना ही थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, लेकिन खाने में वाकई में बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। और मैंने यहाँ पर नमक और शुगर भी ऐड कर दी थी। मसाला अच्छे से भुन गया है और तेल रिलीज़ हो गया है मसालों से, तेल घी मलाई सब अच्छे से भुन गया है। तो मैंने क्या किया ना, यहाँ पर पनीर ऐड कर दिया है। अभी मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत सारी सब्ज़ी बना ली है, लेकिन बच्चों ने ना इसको दिन में भी खाई, लंच के टाइम में भी खाई और रात में भी खाई, सब्ज़ी तो पूरी पता ही नहीं चली कहाँ चली गई। और मुझे टेंशन हो रही थी कि इतनी सारी कढ़ाई भर के सब्ज़ी बनाई है कैसे खबेगी। आप पनीर छोले राजमा छोले बना लीजिए तो वो आप चम्मच कटोरी लेके खा लीजिए, अच्छी लगती है, लेकिन पनीर की सब्ज़ी ज़्यादा नहीं कपती है, क्योंकि पनीर भारी होता है तो पेट जल्दी भर जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने पनीर को भी थोड़ी देर मसालों के साथ भून लिया था, उसके बाद में इसमें ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी ऐड कर दिया है। अब भाई पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल एकदम पतली वाली ग्रेवी की भी नहीं अच्छी लगती, थोड़ी गाढ़ी अच्छी लगती है, तो मैंने उस अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड किया। फाइनली देखिए सब्ज़ी हमारी जो है ना बनकर तैयार हो गई है, बस इसमें कलर का डिफरेंस थोड़ा सा आ रहा है, तो वो लोहे की कढ़ाई की वजह से। अदरवाइज़ आप इसकी ग्रेवी देखिए, और सब्ज़ी खाने में सच में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी हुई थी, और आकर्षित की फेवरेट है भाई, तो उसको तो पसंद आनी ही थी। तो ये देखिए कितना बढ़िया पनीर हमारा बनकर तैयार हुआ है। और इसके बाद आप देखिए मेरे बच्चों की ढेर सारी मस्ती। और ये ना चेटा पेटी का हाल करें, ये दोनों मेरे पीठ पे बैठे हैं।
दीदी बैठी उठ जा मोटा वो सुना रही हाउ डू यू डू अच्छा सुनाओ क्या कह रही हो जॉय जॉय पापा ईटिंग सुगर पापा टेलिंग लाइज पापा ओपन योर माउथ अरे पता नहीं कैसे आप पूछो डॉग यस पापा इज इट नो पापा आई आर आई अरे आवाज आ रही है हड्डियों की सुना ना जॉय जॉय पूछ रही यस पापा नो पापा आई आई नो पापा अरे पाप रे तस्सू एक नहीं दो दो बैठी है वो देखो तीसरा लाइन पे लगा अरे मम्मी पांच बजे नहीं पार्लर बंद है देखो 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 और आकर्षित भी है अरे मर गए बुटल्लो हट नेहा तू हर जा तुम्हें समझ में नहीं आ रही वो छोटी है।